मध्य प्रदेश में मंगलवार से माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गई है। इसके चलते खरगोन जिले के बढ़वा में डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। बढ़वा ब्लॉक के 16 केंद्रों पर 4,977 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बढ़वा में बनाए गए 3 परीक्षा केंद्र में से बालक उत्कृष्ट विद्यालय और कन्याशाला केंद्र का डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी SDM राहुल चौहान सहित नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी, BO सुदामा सोलंकी की टीम ने निरीक्षण किया। वहीं एक छात्रा का स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में उसकी देखरेख करते हुए प्रश्न पत्र हल करवाया गया। साल भर से तो परीक्षा की तैयारी कर रही और अब बीमार होने के कारण तो पेपर कैसे छोड़ दी, इसलिए देना जरूरी था। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुदामा सोलंकी ने बताया कि सभी केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष सहित पर्यवेक्षक और शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा छात्र छात्राओं की सख्ती से चेकिंग करते हुए परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। दर्ज विद्यार्थी रहे हैं 4,977 में 4,767 विद्यार्थी आज उपस्थिति दर्ज करवाई, 210 अब्सेंट रहे हैं। बड़वा ब्लॉक के तहसीलदार साहब, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार साहब के द्वारा उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया गया, साथ ही कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का भी निरीक्षण किया गया है। कन्याशाला के उप केंद्र अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि इस केंद्र पर 399 विद्यार्थियों में से 394 विद्यार्थियों ने उपस्थित होकर पहला पेपर दिया। आज बच्चों का संस्कृत विषय का पेपर है। इस परीक्षा केंद्र पर कुल 399 विद्यार्थी दर्ज हैं, जिसमें अभी आज इस समय तक 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। इस प्रकार कुल दर्ज संख्या 394 है। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।